टाइप्स ऑफ अल्केन्स देखे। ओके, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स। राइट, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम के टाइप्स है। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स ओके, विच आर दैट? फर्स्ट प्राइमरी कार्बन, सेकंड सेकेंडरी कार्बन, थर्ड टर्शियरी कार्बन, और फोर्थ क्वार्टरनरी कार्बन। ओके, हम देखो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, इस पर जो 12th का चैप्टर है हाइड्रोजन डेरिवेटिव एंड अल्कोहल, उस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है। उसमें प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड ऐसे पॉइंट है, और अल्कोहल में प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, उस चैप्टर में ये उस दो चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है। ओके राइट, वी डिस्कस वन बाय वन। फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट प्राइमरी कार्बन एटम। प्राइमरी कार्बन एटम, राइट, see the definition. The carbon atom which is attached to, carbon atom which is attached to another only one carbon is called primary carbon atom. ओके, अब क्या है मीनिंग क्या है इसका? देखो, जो कार्बन अनदर एक कार्बन को अटैच रहता है दूसरे एक कार्बन को, उसको प्राइमरी कार्बन एटम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अब देखो, इट इज डिनोटेड बाय फर्स्ट डिग्री। इसको फर्स्ट डिग्री नहीं बोलने का, ये प्राइमरी है मगर लिखने का ऐसा, फर्स्ट और डिग्री है थोड़ा। कैसा इसका एग्जांपल क्या है अब देखो, एग्जाम्पल CH3, राइट, CH3। इन दिस एग्जाम्पल देर आर टू कार्बन आइटम्स। ओके, अब ये जो कार्बन आइटम है ये इस कार्बन आइटम को अटैच है डायरेक्ट, राइट। एक मिनट, हाँ, ये ट्रेन का आवाज, ठीक है, ये कार्बन इस कार्बन को अटैच है, तो ये एक ही कार्बन को अटैच है, राइट, इसलिए ये हो गया प्राइमरी कार्बन, उसको ऐसा इंडिकेट करो। ओके, व्हाट अबाउट दिस? दिस इज आल्सो अटैच्ड टू अनदर ओनली वन कार्बन, टोटल कार्बन एटम्स टू, दो छह, और ये इस कार्बन को अटैच है, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो प्राइमरी। अब इन दिस एग्जांपल बोथ कार्बन एटम्स आर प्राइमरी। प्राइमरी कार्बन एटम की डेफिनेशन क्या है? द कार्बन एटम व्हिच इज अटैच्ड टू अनदर ओनली वन कार्बन इज कॉल्ड एज प्राइमरी कार्बन एटम।
जो कार्बन दूसरे एक कार्बन को अटैच है उसको प्राइमरी कार्बन एटम बोलते हैं। ओके, तो ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है। ओके, एग्जाम्पल सेकंड देखो आप, सेकंड एग्जाम्पल CH3, CH2, CH3। अब इसमें देखो डायरेक्ट अटैचमेंट देखने की, अब ये कार्बन एटम कितने कार्बन को अटैच है, एक, इसको अटैच नहीं है क्या, राइट? डायरेक्ट अटैचमेंट देखने की, दिस कार्बन इज डायरेक्टली अटैच टू दिस, नॉट दिस। ओके, और ये इसको अटैच, ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी। दिस कार्बन इज डायरेक्टली अटैच टू दिस कार्बन एटम एंड दिस कार्बन इज अटैच टू दिस, इट मीन्स दैट दिस इज नॉट अटैच टू दिस, राइट? समझ में आया? ये इसको अटैच है, ये इसको अटैच है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये इसको अटैच है, डायरेक्ट अटैचमेंट देखने की। ओके, और इसके बारे में क्या है, दिस कार्बन एटम इज ऑल्सो अटैच टू दिस कार्बन एटम, मीन्स दिस इज ऑल्सो अटैच टू ओनली वन कार्बन, दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो प्राइमरी कार्बन। मगर ये हो सकता है क्या प्राइमरी? नहीं, ये कितने कार्बन एटम को अटैच है, दिस कार्बन इज अटैच टू दिस एंड दिस, टू कार्बन एटम को ये अटैच, इसलिए ये प्राइमरी नहीं हो सकता, तो इसको इंडिकेट नहीं करने का। ओके, तो प्राइमरी मले हा सब्जेक्ट फक्त समजते मग कोणतं सांगायचं चांगलं काय झालं रे पोरांनो, हे समजतंय का? ठीक आहे, इसमें दो प्राइमरी है, इन दिस एग्जाम्पल टोटल थ्री कार्बन एटम्स, आउट ऑफ थ्री कार्बन एटम टर्मिनल टू कार्बन एटम्स आर प्राइमरी। ओके, एक एग्जाम्पल दो और तीसरा एग्जाम्पल क्लियर हो जाता फिर, CH3, CH2, CH2 और CH3। इन दिस एग्जाम्पल टोटल फोर कार्बन एटम्स, आउट ऑफ फोर कार्बन एटम्स विच आर प्राइमरी, terminal two carbon atoms are primary, this carbon is attached to this carbon, that's why this is primary, and this is also attached to only one carbon, that's why this is also primary, this carbon is attached to two carbon, this one and this one, and this carbon is also attached to another two carbon, this one and this one, that's why these two carbon atoms are not primary. Okay, ye primary nahi hai, ye terminal ke do carbon atom primary hai. Next type, that is secondary carbon atom. Next type, secondary carbon atom. अब देखो डेफिनेशन क्या है, अब क्या करने के, जहां वन है वहां ये वन रिप्लेस करने का, और टू अटैच, टू ये टू से रिप्लेस करने का वन, राइट? अब देखो द कार्बन एटम विच इज अटैच टू which the carbon atom which is attached to another two carbon atoms is called primary carbon atom. It's called as primary carbon atom. Okay. पहले मैं आपको ये सब बताता, primary, secondary, tertiary, उसके बाद tricks भी बोलता, primary, secondary, tertiary identify कैसे करने के, वो एक छोटी tricks बताता। पहले concept देखो, the carbon atom which is attached to another two carbon atoms is called as primary carbon atom. It is denoted by second, 2 degree, usko aisa denote karne ka, secondary bolte hai isko. Okay, example dekho, first one CH3, CH2, CH3। अब देखो डेफिनेशन क्या है सेकेंडरी की, द कार्बन एटम विच इज अटैच टू अनदर टू कार्बन,
is called as secondary, right? In this example, total three carbon atoms are there, right? Out of three carbon atoms, central carbon atom is attached to another two carbon. That's why this is secondary, indicated by 2 degree. Okay. ये कार्बन आइटम दो कार्बन का अटैच है, दिस वन एंड दिस वन, दैट्स व्हाई दिस इज सेकेंडरी एंड दिस टू आर प्राइमरी. ओके, अब देखो अगर ये एग्जांपल लिया, CH3, CH2, CH2, CH3, इसमें कौन से कार्बन आइटम सेकेंडरी है, हु विल टेल मी, एंड हाउ मेनी कार्बन आइटम्स आर सेकेंडरी इन दिस एग्जांपल. This one and this one. Okay, two carbon atoms are secondary carbon atom. हाँ, 2, 3. ये दो carbon atom, right? ये carbon atom secondary है और ये. This is primary and this is also primary. Okay. अब ये secondary क्यों? कि ये दो carbon atom को attach है. और ये क्यों secondary? ये this is also attached to another two carbon atom. Okay. Next. Next. 3 tertiary carbon atom. Definition समझ में आया? अब 2 replaced by 3. The carbon atom which is attached to another, how many carbon, another three carbon atom, is called as tertiary carbon atom. Okay, अब जो carbon another three carbon atom को attach रहता उसको tertiary carbon atom बोलते. Example देखो, अब example देखने के बाद समझ में आ जाएगा. CH3, CH3, CH3. अब देखो इन दिस एग्जांपल टोटल 4 कार्बन एटम्स, 1, 2, 3 and 4, एंड व्हिच वन इज टर्शियरी, दिस वन इज टर्शियरी, राइट? वो लिखने का रहा, इट इज इंडिकेटेड बाय, आप लिखो, ठीक है, ये टर्शियरी, राइट? दिस कार्बन इज अटैच्ड टू दिस वन एंड दिस वन, दैट्स व्हाई दिस इज टर्शियरी कार्बन. ओके, in this example total 5 carbon atom, total 4 carbon atoms are there. Out of 4 carbon atoms, central CH carbon is tertiary because it is attached to another 3 carbon atoms. Next one, how many carbon atom are tertiary? Ab dekho, this carbon is attached to only one carbon, that's why this is primary, this is also primary, this is primary, this is primary. But what about this? This carbon is attached to 3 carbon atoms, 1, 2 and 3, and this is also attached to 3 carbon atom, 1, 2 and 3, that's why this is tertiary and this is also tertiary, indicated with 3 degree. Okay, ठीक है. अब देखो नेक्स्ट लास्ट क्वार्टरनरी. अब देखो प्राइमरी हो गया. हेलो सर. हाँ बोलो. स्ट्रेट चेन आएगी क्या? स्ट्रेट चेन टर्शियरी, उसमें टर्शियरी कार्बन आएगा? हाँ स्ट्रेट चेन में आएगा ना, मगर स्ट्रेट चेन में खाली ये ऐसी स्ट्रेट चेन में नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, क्योंकि एक तो ब्रांच होना चाहिए उसको अटैच. समझ में आया? हाँ यस सर.
एटलीस्ट वन ब्रांच, यहाँ एक, यहाँ कैसे एक ब्रांच है, एक ब्रांच तो होना एटलीस्ट. ब्रांच कार्बन आइटम में रहता टर्शरी, राइट, और प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रेट में रहता. आया समझ में? ओके नेक्स्ट क्वार्टरनरी. क्वार्टरनरी कार्बन आइटम क्या होगी डेफिनेशन क्वार्टरनरी की? आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए. अटैच फोर कार्बन. यस यस यस, फोर कार्बन आइटम को अटैच होना चाहिए. द कार्बन आइटम व्हिच इज अटैच्ड टू अनदर फोर कार्बन. ओके आई विल राइट हियर. द कार्बन आइटम व्हिच इज अटैच्ड टू another four carbon is called as quaternary carbon atom. Quaternary carbon atom. Okay. Quaternary carbon atom. देखो इट इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करते हैं वो? इट इज डिनोटेड बाय 4 degree. 4 degree बोलने का नहीं, इसको लिखने का 4 degree, मगर ये क्वार्टरनरी है क्या? ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल CH3 और CH3. समझ में आया कौन सा क्वार्टरनरी है? तो दिस कार्बन इज क्वार्टरनरी कार्बन. आया समझ में? राइट, क्योंकि दिस कार्बन इज अटैच टू फोर कार्बन, 1, 2, 3 and 4. That's why this is primary. This is first example. Oh, sorry, ये quaternary carbon atom. Second example में देखो अब क्या है. तो this one and this one. These two carbon atoms are quaternary carbon atoms. बराबर है? Okay? ये quaternary carbon atom है और ये एक quaternary carbon atom है. Why? Because this carbon atom is attached to four carbon atom. Which four? 1, 2, 3 and 4. And this is also attached to four carbon atom. 1, 2, 3 and 4. ये समझ में आया? Quaternary कैसे है तो? Do you understand this concept? Primary, secondary, tertiary and quaternary. अब एग्जाम्पल देखो इस पे और इस पर क्वेश्चन भी देखो और ट्रिक्स भी देखो. और ये पूरा पेज होने के बाद मैं आपको शेयर करता. अब देखो पहले तो मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा. How to identify compound? देखा कि आप कैसे identify कर सकते हो which is primary, which is secondary and which is tertiary. अब कैसा रहता आपको अगर कौन से भी competitive exam की study करने की है, JEE, NEET, वो NDA, तो concept भी पता होना चाहिए और tricks भी पता होना चाहिए. Concept board के लिए और trick जो है वो competitive exam में question solve करने के लिए. अब देखो प्राइमरी अगर CH3 रहा, CH3 तो उसको बोलने का प्राइमरी कार्बन, राइट. ये ट्रिक्स है कि ये किसी बुक में नहीं दिया, किसी बुक में नहीं है और ये कोई पढ़ाता भी नहीं, मगर आइडेंटिफाई करने के लिए ये मैंने डेवलप किए वाली ट्रिक्स है. अगर CH2 रहा तो उसको बोलने का सेकेंडरी,
ये 20 नहीं है क्या, सेकेंडरी थोड़ा बड़ा हो गया ये। और सी एच रहा तो उसको बोलने का टर्शरी, और कार्बन रहा सिर्फ तो उसको बोलने का क्वार्टरनरी। अगर किसी के वो डेफिनेशन अगर समझ में नहीं आई है तो ये ट्रिक्स ध्यान में रखो। सी एच थ्री रहा तो प्राइमरी, सी एच टू रहा तो सेकेंडरी, सी एच रहा तो टर्शरी, एंड कार्बन रहा तो क्वार्टरनरी। ओके, अब कंपाउंड में अगर आपको पूछा हाउ मेनी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बन एटम्स, पूरे सी एच थ्री देखने के वो हो गए प्राइमरी, पूरे सी एच टू देखने के वो, कैसा भी कंपाउंड रहो वो ऐसा कर देखने का सब प्राइमरी सेकेंडरी आइडेंटिफाई कर सकते। आप देखो एग्जाम्पल, एक कंपाउंड देता मैं आप, ये यहाँ देता नीचे, और एक दो कंपाउंड देने के। आइडेंटिफाई प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एंड क्वार्टरनरी कार्बन्स, ओके कार्बन्स फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड। अब देखो सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच थ्री, सी एच थ्री, सी एच थ्री। अब ये कंपाउंड है, एक मिनट। दिख रहा है आपको? अब इसमें आप बोलो प्राइमरी कितने, सेकेंडरी कितने और टर्शरी कितने। एक 2 मिनट, 1 मिनट का टाइम देता मैं आपको। प्राइमरी कितने हैं बोलो, देन सेकेंडरी कितने हैं, देन टर्शरी कितने हैं, एंड देन क्वार्टरनरी। मैं वेट करता हूँ। ओके, ट्रिक्स मैंने आपको बताई, ये यहाँ ट्रिक्स है। ओके, अब प्राइमरी देखने के लिए क्या करने का, पूरे सी एस थ्री ग्रुप देखने के, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो प्राइमरी कितने हो गए फाइव फिर? सर, यस 5 हो गए प्राइमरी, 5। सेकेंडरी कितने है फिर? सेकेंडरी के लिए क्या करने का, सी टू एच टू देखने का, यस 2 है सेकेंडरी। टू और टर्शरी कितने हैं? 1। और क्वार्टरनरी, क्वार्टरनरी इज ऑल्सो 1। टोटल कार्बन कितने हो गए? 5 + 2 = 7, 8, 9। कंपाउंड में 9 है क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये क्रॉस चेक करने का फॉर योर करेक्ट आंसर। ओके, टोटल 9 कार्बन एटम। नहीं तो ऐसा हो सकता है इधर 9 है और कंपाउंड में 8 है, तो योर आंसर इज रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट देखो आप, ये आई जो क्वेश्चन आया मैंने जैसे कि वैसे आपको फॉरवर्ड किया, ये क्वेश्चन आया था। नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सेकंड। यस यस अक्षय, अपने पास ऐसे बहुत ट्रिक्स है, ट्रिक्स का खजाना है अपने पास। पहले कंसेप्ट बाद में ट्रिक्स, पहले कंसेप्ट बाद में ट्रिक्स। तो दोनों से भी परफेक्ट हो जाते फिर बच्चे। देता ना मैं जैसा देता, मैं जैसे जैसे अपना चैप्टर हो जाएगा वैसे वैसे आपको सब ट्रिक्स आपको ही देने के ना, फिर मैं क्या करूंगा मेरे पास रख के। ओके, बच्चों के लिए तो है सब। अब देखो आइडेंटिफाई प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एंड क्वार्टरनरी कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड। अब देखो कंपाउंड कौन सा है, तो सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच थ्री, अब ये पूरा आपको बताने का, मैं कुछ भी हिंट भी नहीं देने वाला। ओके।
ये कंपाउंड का अगर आपने सही आइडेंटिफाई किया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बन एटम इस कंपाउंड में, तो आपको ये कंसेप्ट फिर समझ गया ऐसा उसका मीनिंग होगा। बोलो प्राइमरी, ओके यहाँ लिखता मैं सर, सिक्स प्राइमरी सिक्स, सेकेंडरी टर्शरी एंड क्वार्टरनरी। सेकेंडरी फोर। प्राइमरी कितने है प्राइमरी? अरे सॉरी सॉरी, यहाँ सी एस थ्री है, यहाँ सी एस थ्री। प्राइमरी सेवन हो गए ना? हाँ सर। यस, सेकेंडरी वन टू थ्री, थ्री हो गए। ओके सर, प्राइमरी एट हो गए। प्राइमरी एट है क्या? अरे काउंट करो ना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट हो गए ना बच्चों। यस, ऐसा कंफ्यूजन नहीं होने का। प्राइमरी एट है राइट, सी एट है ना। टर्मिनल का जो कार्बन आइटम है वो प्राइमरी रहता है टर्मिनल का, ओके, और वो सी एस थ्री रहता ऑलवेज, वो प्राइमरी रहता। अब सेकेंडरी कितने है? एक दो और तीन, तीन है खाली राइट। टर्शरी बोलो चार, चार फोर 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 वन फोर फोर टू थ्री एंड फोर राइट, और एक से लगे हुआ क्या? ठीक है फोर। और क्वार्टरनरी कितने फिर? एक वन। यस सर, ओनली वन वन वन। तो आप टोटल कितने हो गए? एट प्लस एट सिक्सटीन। अब ये कंपाउंड में भी 16 होने चाहिए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन एंड सिक्सटीन। ओके करेक्ट, समझ में आया ये कंसेप्ट? यस सर। यस 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 सर। ओके नेक्स्ट वन ये आप करो। होमवर्क करना है क्या अभी? नहीं नहीं अभी करो क्या, एक मिनट लगता उसको। जस्ट वन मिनट। एक मिनट। अब देखो ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है ये। हाँ तो मैं क्या करता, पहले ये लिखता नोटबुक पर, बाद में आप बोलो। क्या बोल सकते हैं ऐसे? नहीं ऐसा कर नहीं। एक मिनट मैं लिखता। बड़ा कंपाउंड है, यहाँ लिखता मैंने। जस्ट वन मिनट, कंसेप्ट क्लियर हो जाता फिर ये। ऐसा बता सकते क्या फिर? ठीक है ठीक है, ऐसा बताओ बताओ फिर ऐसा जान दो। हाँ हाँ, ये इतना कंपाउंड है पहला वाला का सर? हाँ पहला फर्स्ट सर। सिक्स प्राइमरी, वन टू थ्री टर्शरी फोर सर,
फोर वन फोर 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 से देखो वन टू थ्री फोर राइट क्वार्टररी जीरो है सर जीरो है सर यस यस अब क्या होगा एक बार ये ऐसा कंपाउंड एग्जाम में आएगा और या वो क्या बोलेंगे हाउ मेनी क्वार्टररी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड तो क्या आंसर है फिर जीरो क्वार्टररी का टोटल 13 यस 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 ओके समझ में आया ठीक है यस सर तो ट्रिक्स की वजह से जल्दी समझ में आता है ये डेफिनेशन ये कैसा एक आधी बार अगर बोर्ड को पूछा तो ये डेफिनेशन लिखनी पड़ती है मगर ट्रिक्स इज इम्पोर्टेंट यस स्क्रीन शेयर करता हूँ कल का प्रिपरेशन किया यस सर आइसोनियो का किया क्या यस सर ओके ठीक है टेक डाउन स्क्रीनशॉट ओके 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 नहीं बुक में एग्जांपल नहीं रहते और मैं बुक सामने रखता भी नहीं मगर आपके लिए देखा मैंने बुक नहीं तो मैं बुक सामने रखता भी नहीं कुछ नहीं है ओके एक आधा एग्जांपल रहता जो इम्पोर्टेंट लगता है मुझे इसलिए मैं आपको शो करता हूँ ओके नेक्स्ट सर ऐसे क्वेश्चन ही इंडिया जी के पूछे जाते हैं हाँ पूछे जाते हैं ना ठीक है नेक्स्ट अब ये जो हम पढ़ रहे हैं ना ये सिलेबस ये है देखो सेंट्रल सिलेबस है ये बोले तो इसमें से सब पार्ट कवर होता सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम का अगर ऐसे क्वेश्चन एज इट इज नहीं भी आए तो जो क्वेश्चन आएंगे वो इस पर डिपेंड होंगे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ ओके इसलिए ये ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट ये देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो अब ये टाइप्स ऑफ कार्बन एटम और टाइप्स ऑफ एल्केन हो गए देन आइसोमेरिज्म एल्केन में जो आइसोमेरिज्म है वो कौन से है देखो आइसोमेरिज्म